हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें ड्वेन द रॉक जॉनसन AEW कंपनी अंदर रसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, AEW कंपनी के रैंकिंग्स के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस साल के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर अपना डेब्यू करने के बाद सराया का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइज, ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज, ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम AEW कंपनी के पेपर-व्यू लेवल का शो था, जिस शो के ऊपर हमें काफी सारे चैंपियनशिप मैचेस और काफी सारे टाइटल चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन गाइज, इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज यहाँ पर डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 12% कम हो चुकी है, जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और गाइज, जहाँ पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.175 मिलियन व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.039 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप होने के बावजूद फिर भी आंकड़ा 1 मिलियन के ऊपर है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप होने के बावजूद डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आ रही है, जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। लेकिन गाइज, इसी के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें 18-49 इस डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18-49 इस डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर AEW कंपनी के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 535K व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 458K व्यूअर्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार 18-49 इस डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। पर इस सब के बावजूद भी इस वीक का डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि लास्ट वीक भी नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी को अपने व्यूअरशिप के अंदर नुकसान होने के बावजूद AEW कंपनी के शोज वीकली केबल टीवी के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं। और गाइज, ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है और वार्नर मीडिया भी इससे काफी खुश होगा। और हर बार की तरह ही टोनी खान ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सभी फैंस को थैंक यू किया, जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि AEW कंपनी के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर ड्रॉप होने के बावजूद इन शोज की व्यूअरशिप 1 मिलियन के नीचे नहीं आ रही। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के रैंकिंग्स को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि शायद मैंने आपको पिछले एक दो हफ्ते से AEW कंपनी के किसी भी शो की रैंकिंग्स नहीं बताई और ये नहीं बताया कि कौन से डिवीजन के अंदर कौन सा सुपरस्टार कौन से रैंकिंग्स के ऊपर आता है, क्योंकि ये रैंकिंग्स डिसाइड करती है कि आगे चलकर किस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और गाइज, मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से AEW कंपनी अपनी तरफ से ऑफिशियल रैंकिंग्स रिवील नहीं कर रही और ये सब चीजें देखकर काफी सारे फैंस काफी वरिड थे। और यहाँ पर फैंस ने डेव मैटर से सवाल पूछे कि क्या AEW कंपनी अंदर रैंकिंग्स मैटर भी कर रही है या फिर अब रैंकिंग्स AEW कंपनी से खत्म हो चुकी है। और इस पर जवाब देते हुए डेव मैटर ने रिवील किया कि गाइज, AEW कंपनी अंदर अब भी रैंकिंग्स मैटर करती है और अब भी रैंकिंग्स के अनुसार ही किसी भी सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है, पर करंटली रैंकिंग्स इतनी सीरियसली नहीं ली जा रही जितने की AEW कंपनी के इनिशियल दिनों के अंदर ली जाती थी। जो बात यहाँ पर डेव मैटर ने बताई कि गाइज, AEW कंपनी अंदर रैंकिंग्स अब भी एग्जिस्ट करती है, पर फिलहाल के लिए रैंकिंग्स का इंपॉर्टेंस काफी कम हो चुका है और शायद इसीलिए AEW कंपनी भी अपने तरफ से टाइम के ऊपर कभी भी रैंकिंग्स रिवील नहीं कर रही। और गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है और क्या AEW कंपनी को अपने कंपनी के अंदर रैंकिंग्स कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर रैंकिंग्स की कंसेप्ट हटा देनी चाहिए। लेकिन गाइज, मेरे हिसाब से AEW कंपनी को अपने कंपनी के अंदर रैंकिंग्स कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि इससे शो को कुछ अलग फील आता है और ये AEW कंपनी शोज को बाकी सारे रेसलिंग कंपनी से अलग करने के लिए काफी जरूरी है, इसलिए मेरे हिसाब से रैंकिंग्स कंटिन्यू होनी चाहिए। पर देखते हैं कि AEW कंपनी इसे सीरियसली लेती है या नहीं। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि सराया के AEW कंपनी अंदर डेब्यू के बाद अब सराया का AEW कंपनी के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेज यानी कि सराया AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई दी थी।
जो डेब्यू देखा जाए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि गाइस किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मैं सराया AEW कंपनी दराती हुई दिखाई दे सकती है, और स्पेशली तब जब उन्हें रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं किया गया था, और इसीलिए करंटली काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि सराया का AEW कंपनी का रोल क्या होने वाला है, और क्या सराया AEW कंपनी रेसल करने वाली है या फिर उन्होंने AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया है या नहीं। और गाइज इस सब के ऊपर फाइनली AEW कंपनी की चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्लेरिफिकेशन दे दी है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने रिवील किया कि सराया भी ऑल इलीट हो चुकी है, यानी कि सराया ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और गाइज अब सराया AEW कंपनी के साथ काम करने वाली है। पर गाइज इस सब के बाद भी यहाँ पर फैंस काफी कंसर्न थे कि क्या सराया ने AEW कंपनी एज ए मैनेजर ज्वाइन की है या फिर एज ए रेसलर, क्योंकि लास्ट टाइम सराया को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया था। और इसी के ऊपर बात करते हुए डेव मैटजर ने अपनी तरफ से एक स्टोरी शेयर की कि शायद सराया को AEW कंपनी अंदर रसल करने के लिए अब तक क्लियर नहीं किया गया, और गाइस सराया शायद इतनी जल्दी AEW कंपनी अंदर रसल नहीं करने वाली। जो कुछ स्टोरीज सामने आ ही रही थी कि गाइस इन स्टोरीज के ऊपर बात करते हुए सराया ने अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दे दी है। और गाइज यहाँ पर सराया ने ट्वीट करते हुए बताया कि सराया को रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है और सराया बम्स भी ले सकती है, और फैंस को इसी स्टूपिड स्टोरीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जो बात यहाँ पर सराया ने लिखी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज शायद सराया यानी कि पेज को रेसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है, और मैं शायद पेज AEW कंपनी अंदर रेसल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए गाइज अब देखना पड़ेगा कि पेज AEW कंपनी अंदर आकर क्या करती है, और उनकी फर्स्ट मेजर राइवलरी किसके खिलाफ होती है, और अपनी फर्स्ट राइवलरी के अंदर पेज किस तरीके से रेसल करती है। पर गाइज अब तक पेज को लेकर ये डिटेल्स सामने नहीं आए कि उनका AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर उन्हें AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं, पर ये बात तो कंफर्म है कि पेज AEW कंपनी अंदर रसल करने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर पेज को एक सेकंड चांस मिला है ये देखकर मैं तो काफी खुश हूं, और मैं होप करता हूं कि पेज बहुत ही बड़े रेसलर बन पाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें ड्वेन द रॉक जॉनसन AEW कंपनी अंदर रसल करते हुए दिखाई देने वाले है या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप ड्वेन द रॉक जॉनसन को फॉलो करते हैं यानी कि सिंपली द रॉक को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि द रॉक हॉलीवुड के अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार है, पर इससे पहले रॉक WWE कंपनी के लिए काम करते थे। और गाइज हॉलीवुड के अंदर रॉक का शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है कि द रॉक WWE में भी नहीं आ पा रहे। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में द रॉक ने अपने खुद की तरफ से कुछ ऐसी चीजें कर दी है जिससे कि हम कह सकते हैं कि द रॉक AEW कंपनी रसल करना टीज कर रहे हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में बात करते हुए मैट हार्डी ने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया कि मैट हार्डी के दोस्त यानी कि शेन हेम्स यानी कि हरिकेन हेम्स ने आज तक अपने करियर के अंदर सिर्फ एक ही बहुत ही बड़ा मैच जीता है, और वो द रॉक के खिलाफ है, जहां पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक ही मैच हुआ था और द रॉक वो मैच हारे थे, और आज तक रॉक को अपना रिवेंज नहीं मिला। जो बातें मैट हार्डी ने हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की। लेकिन गाइज इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर द रॉक ने भी एक जवाब दिया है, और यहाँ पर द रॉक ने लिखा कि द रॉक हरिकेन हेम्स के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, पर द रॉक हरिकेन को हराकर खुद को ही मैच नहीं जीतना चाहते, द रॉक हरिकेन के साथ मिलकर एक टैग टीम मैच रसल करना चाहते हैं, और वो एक टैग टीम मैच जीतना चाहते हैं, और वो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि जेफ और मैट हार्डी के खिलाफ, और जितना हो सके उतना जल्दी ये मैच बुक किया जाए। जो बात यहाँ पर द रॉक ने लिखी जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर द रॉक हरिकेन के साथ मिलकर द हार्डी बॉयज के खिलाफ एक टैग टीम मैच चाहते हैं, जो बात यहाँ पर द रॉक हिंट कर रहे हैं। पर गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है कि द रॉक को रेसल करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, और अब तक ये भी कंफर्म नहीं है कि वो WWE कंपनी अंदर वापस भी आने वाली है या नहीं। और हम यहाँ पर AEW कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि WWE की कंपटीशन है, इसलिए गाइस मुझे नहीं लगता कि रॉक अगर वापस आएंगे भी तो वो AEW कंपनी अंदर एक टैग टीम मैच रेसल करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि रॉक WWE के अपोजिट कभी नहीं जाएंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रॉक को AEW कंपनी शोज के ऊपर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अगर ऐसा हो पता है तो मैं तो ये देखना चाहूंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होने वाला। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?